आज 27 जून है। 27 जून साल के छठे महीने का 27वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन 27 जून साल 1957 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी कर ये बताया था कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी। रिपोर्ट में पाया गया था कि 1945 में फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों की मृत्यु दर 10 लाख लोगों में केवल 188 थी। 10 साल के बाद यही मृत्यु दर करीब दोगुनी होकर 388 तक पहुंच गई थी। भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशो का निधन आज के दिन 27 जून 2008 में हुआ था। सैम मानेकशो की महत्वपूर्ण भूमिका के चलते 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ विजय प्राप्त हुई थी। दिल्ली में मौजूद तीन मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाने का फैसला आज के दिन 27 जून 1964 में लिया गया था। इसी तीन मूर्ति भवन में नेहरू का आवास था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म आज के दिन 27 जून 1838 में हुआ था। बंकिम चंद्र बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। बंकिम चंद्र के उपन्यास देशभक्त और चरित्रवान थे जो गुलाम भारत में लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।